डे स्पेशल में आज है पीनट बटर विथ हनी। जब आप पीनट बटर के ऊपर हनी डालते हो तो आपके पीनट बटर का स्वाद बढ़ जाता है ना, आ जाएगा। आप जरूर ट्राई करके देखना एक बार। ये सिंपल रेसिपी आप घर पे आसानी से बना सकते हो। मैंने पहले बनाया, टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वीडियो बना दिया ताकि आप लोगों को भी पता चले। सबसे पहले हमने गैस ऑन किया, पैन रखा, पीनट बटर, 4 ब्रेड स्लाइस लिए। पीनट बटर मेरे पास क्रंची है, आपके पास अगर क्रंची ना हो तो आप नॉर्मल भी पीनट बटर ले सकते हैं, प्लेन। ब्राउन ब्रेड 4 स्लाइस लिए थे मैंने, उसको पैन पे टोस्ट करने के लिए रखा। जो कलर देख रहे हैं आप ब्राउन ब्रेड का, सेम ट्राई करना कि आपका भी ऐसा ही हो जाए। क्रिस्पी का जो आवाज़ आ रहा है, ट्राई करना ये भी आपसे हो जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। साथ में ये जो पीनट बटर था, फिर अभी मैं तो रेगुलरली खाता हूँ ये सब चीज़ें बना के हेल्दी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और इजीली बन जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब मेरा ब्रेड रेडी हो गया उसके बाद में मैंने इसको पीनट बटर चारों तरफ अच्छे से लगा के ले लिया और टेस्ट किया पहले कि ये कैसा लगेगा। तो ये मैंने ट्राई करने के बाद मुझे तो ठीक लगा, इतना खास भी नहीं लगा, बट आप ट्राई करके एक बार ज़रूर देखना। ये हो गया बाहर का नज़ारा, देखते देखते आप ये बना लो या फिर हनी के साथ बना लो, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास हनी है तो बेस्ट हो जाएगा। वैसे ये जो मैंने अभी प्लेटिंग बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगे देखने में, जैसे दिख रहा है वैसे खाने में भी बहुत अच्छा है। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, मतलब आलमंड, उसको चॉप किया, थोड़ा सा गार्निशिंग किया क्रिस्पी लगने के लिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।